शिव कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए जीव कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। हे चंचुला, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था। काया के रोग से मुक्त होने के लिए उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, रेत बालू का, बालू का शिवलिंग बनाने का फल क्या होता है? ब्राह्मण शिवरात्रि पर सावन महीने में, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर, प्रत्येक प्रदोष पर आपके घर पर आकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराते हैं, या आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती हो, उस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या है? क्या फल? जब लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मेरे राम जी रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, शिव जी प्रसन्न होकर पूछते हैं, राम तुमने मेरी स्थापना करी? हाँ, किसके लिए? इस रावण के संहार के लिए। मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम तुम अयोध्या से चले थे, अपने पिता का एक गुण तुमने अपने अंदर धारण कर लिया था। आपके पिताजी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजन करते थे, आपने वो गुण लिया, नियम बनाया, जब तक मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर लूंगा तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जहां जहां राम जी रात्रि रुकते थे, सुबह उठते ही शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसकी पूजन करते थे। स्वयं मेरे भोलेनाथ जी ने कहा, राम क्यों चिंता करते हो? पूरे राम पथगमन में भारत सरकार के द्वारा राम पथगमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के रामेश्वर तक राम पथगमन बनाया गया है। पूरे राम पथगमन में जहां राम जी पैदल चले हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में आप कभी मौका लगे तो चलकर जाना, देखकर आना। पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में उतने महादेव के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर जी की स्थापना की। जगह जगह पर राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, जगह जगह पर शंकर भगवान को विराजमान किया और शिवलिंग का पूजन कर। भगवान शंकर कहते, राम क्यों चिंता करते हो? तुमने इतने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है कि लंका तो तुम्हारी होकर ही रहेगी और रावण का संहार होकर ही। पार्थिव लिंग का हमसे लोग कहते हैं, सावन महीने में शिवरात्रि का आप ऑनलाइन अभिषेक कराते हो, ऑनलाइन शिव अभिषेक कराते हो, क्यों? क्योंकि घर घर में शंकर का शिवलिंग का निर्माण हो और पूरे ब्रह्मांड में सब शंकर के प्रति भाव रखकर एक होने का प्रयास करें, सनातन धर्म जागृत। उस शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने का फल क्या है, ये तो संपूर्ण देशवासियों को मालूम है, संपूर्ण देशवासी। चंद्रदेव ने काया के रोग के लिए शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान ने काया के रोग से उनको मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, षडानंद कार्तिक रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव स्वतः पार्वती जी को लेकर पहुंचकर उनको राजी कर, उनको राजी। एक स्थान
श्री शैलम का एक स्थान श्री शैलम। कभी मौका लगा करे 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हो तो थोड़ा विश्राम कर बाबा का भजन किया करो, कभी मौका लगे। हमारा एक नियम रहता है, आप लोगों को सबको टीवी पर तो आप लोग सुनते ही हो, आपको मालूम ही है कि जहां भी हम रुकते हैं वहां 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, किसी से, केवल अपनी माला जाप करना। हमारे जो ठाकुर जी हैं, सालीग्राम जी हैं और शंकर जी हैं, उनकी सेवा जितना बन सकता है, जिस भवन में रुके हैं, जिस जगह पर रुके हैं, वहां अनुष्ठान, संपूर्ण जगत कल्याण के लिए जो बन सकता है वो भजन। 4 दिन के बाद सुबह शाम सबसे थोड़ा थोड़ा मिलना हो जाए, पर 4 दिन नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा द रिवर साइड के, जिन्होंने होटल बनाई है, श्री राहुल जी, सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, श्री राहुल जी अग्रवाल, श्री रोहित जी अग्रवाल, जिन्होंने हमें 4 दिन तक सहयोग प्रदान किया। खुद ओनर होने के बाद भी, उस होटल के मालिक होने के बाद भी, मैं दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं, राहुल और रोहित जी को, कि इनके परिवार का, इनकी बहुएं, इनके बच्चे तक हमारे कक्ष में नहीं आए और उन्होंने देख लिया। एक बार रोहित जी जरूर बीच में एक दो बार देखने आए, उस समय पर उन्होंने देखा महाराज जी जाप में लगे हैं, पाठ में लगे हैं, वो मिले भी नहीं और चलिए। मैं साधुता देता हूँ, और बहुत अच्छी व्यवस्था आपने होटल के अंतर्गत बाबा की भक्ति में दी, उसके लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अग्रवाल जी को, श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रोहित जी अग्रवाल को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत सहज कईयों को लगता है हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हम तो ये करते, हम तो वो करते, हमसे तो मिलते ही नहीं, हम तो यजमान, हम आयोजक, हम कथा वाले, हम ये वाले, हम मंत्री, हम संतरी, हम कलंत्री, हमसे तो भगवान गुरु जी मिलते ही नहीं। हमारा निवेदन है कि ये कथा है, इसको जितना दिल से आप सुन सकते हो और जितना हम भजन कर सकते हैं, जब कोई संत साधु या कथाकार अगर भजन करता है तो उसका सारा फल उसके यजमान को प्राप्त होता है, उसके यजमान सारा फल। जभी तो आज शर्मा जी हैं या स्वामी जी हैं, ये यजमान पद पर विराजमान, तो फल मिलता है प्राप्त भजन कर भक्ति, एक विश्वास जागृत। और कोई कहे कि हमसे नहीं मिलते, हम आयोजक हैं, हम आयोजन कराने वाले हैं, हमसे मिलना चाहिए, तो हम निवेदन करेंगे लाइट का मीटर कौन लगवाता है, अरे जम के तो बोलो, घर का मालिक ही लगवाता है ना, मीटर तुम लगवा रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमने लगवाया, तो तुमने मीटर लगवाया तो करेंट हाथ लगाते चेक कर, खुद चेक करना कि करेंट है कि नहीं, मीटर लगवाया है, खटके में कनेक्शन आएगा, लाइट चालू करो, पर डायरेक्ट करंट को चेक मत करो। उसी तरह कथा सुनो, पर विचार ये ना रखा जाए कि आपको हमसे मिलना चाहिए, हमसे जुलना चाहिए। 4 दिन भगवान शंकर की भक्ति में रम जाएं, भगवान का भजन करें, बाकी का उसका पुण्य यजमान को भी मिले और संपूर्ण विदिशावासियों को प्राप्त हो, वो सुख होना। अच्छा मिलेंगे भी तो उससे क्या होगा, तुम बोल दो ईमानदारी से, कुछ होने जाने वाला है, कुछ नहीं। गुरुजी इस्माइल, गुरुजी इससे ज्यादा कुछ होगा, केवल एक फोटो, और वो गाना है ना, फोटो फ्रेम में जड़वाने से अच्छा हृदय में रखो ना, भगवान की भक्ति करो। श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर ने दर्शन दिए।
आज भी श्री शैलम के शिखर पर दो ध्वजा लगती है, एक ध्वजा अमावस्या के दिन लहराती है, दूसरी पूर्णिमा के दिन लहराती है। ये वहां का प्रताप श्री शैलम का, वहां एक कूप है जिसमें शिखर का दर्शन होता है, मल्लिकार्जुन के नेत्र की ज्योति बढ़ती है। श्री शैलम में मेरे देव अधिदेव महादेव की प्रतिदिन आनंद के साथ विराजमान मंगल विवाह। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए काल अधिपति महाकाल प्रकट हुए। समय आया ओंकारेश्वर भगवान नर नारायण के, भगवान स्वयं बिंद के तप से प्रकट हुए और ओंकार के रूप में विराजमान। बिंद पर्वत के तप से भगवान नर्मदा के आनंद में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने से भगवान शिव प्रकट होते हैं। फिर भीमा शंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बनते हैं। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा का तपल प्रकट कर कर भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। वैद्यनाथ रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भगवान भूमि पर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर दारूप नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाते हैं। फिर आया है रामेश्वर भगवान राम जी के लिए भगवान शिव विराजमान होकर रामेश्वर बनकर विराजित होते हैं। अगला वर्णन कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण कि धर्म पत्नी भूषमा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, शिव जी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजित हो जाते हैं। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और देव योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जिस नगर में गांव में क्षेत्र में कॉलोनी में जहां होती है वहां शंकर विराजमान रहते हैं। इस कॉलोनी के सभी एक एक घर के लोगों को धन्यवाद देता हूं, पूरी कॉलोनी वालों ने जिनको पहचानते तक नहीं लोग, उन कॉलोनी वालों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे भक्तों को रुकाने के लिए। धन्य है सारी कॉलोनी के लोगों ने अपनी छत गैलरी मकान खोल दिए, देखा इतना कीचड़ पानी हो रहा है दरवाजे खोल दिए। ऐसे कॉलोनी के रहनिवासियों को मैं, ये गिरधर कॉलोनी है, इसके रहनिवासियों को और यहाँ के सभी वासियों को साधुता देता है। सेवा का शिव तत्व बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपनी वाणी से कहा ये शिव महापुराण की कथा नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है, शिव पुराण के रूप में शंकर कहते हैं मैं वहीं विराजमान रहता हूं। बाबा ने अपने आशीष आनंद दिए और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो ये भाव रखते हुए ये शिवपुराण समस्त रोगों को समाप्त करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, समस्त जीव का कल्याण करने वाली है। जिस भूमि पर जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है वो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध कर देती है। बाबा आशीष करते हुए आनंद देते हुए शिवपुराण को विराम की ओर लेते हैं। तुम रुका जी देव अधिदेव महादेव के मस्तक पर शिव पोथी को रख कर ले जाते हैं। मैं माँ सरस्वती मानस मंडल सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी श्री निशलेन सिंह जी अभिषेक लक्की अरोरा जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के सभी के सहयोग शिव एवं अंगद सेन जी विदिशा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं समस्त सनातन धर्म बंधु संपूर्ण विदिशा का एक एक बच्चा एक एक व्यक्ति संपूर्ण प्रशासन सब ने मिलकर इस कथा को जो 4 दिन में विराम हो रही थी 7 दिन तक इस कथा को पूर्ण कराया, उसके लिए साधुता देता हूं।
यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आचार्य श्री रविकृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो इस पवित्र शिव पुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक लेकर आए। काशी से आए हुए ब्राह्मणों को, विदिशा के सभी ब्राह्मणों को चरणों को नमन कर साधुवाद देता हूँ। आपने इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। धर्मेंद्र सक्सेना जी, शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, मुख्य यजमान संतोष रनु शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी एवं माननीय विधायक महोदय, विदिशा के नगरपालिका अध्यक्ष आदिक महोदय और माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री महोदय एवं समस्त एक एक कार्यकर्ता, नगरपालिका के एक एक सेवादार जिन्होंने आकर इस भारी बारिश में भी कचरा उठाया, सेवा करी, चाकरी करी, उनको साधुवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन, यहाँ का एक एक पुलिसकर्मी जिसने पानी नहीं देखा अपने काम में लगे रहे, मेडिकल टीम, हॉस्पिटल टीम, सभी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, यहाँ के टीआई, आईजी, सभी को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करा। लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए बाबा की कथा को अपने दिल में उतारिएगा, बाबा का भजन करिएगा। अब 14 तारीख से 21 तारीख तक सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक महादेव गुरु शिव महापुराण कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में 23 तारीख से 29 तारीख तक लखनऊ की पवित्र भूमि से कथा को श्रवण करेंगे। 17 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी। आप सब 17 अगस्त को कावड़ यात्रा में पधार कर बाबा की कावड़ अवश्य भरें। कई लोग सावन के महीने में कावड़ भरते हैं, बाबा की जरूर पधारें, सीवन का जल भरें और एक महीने तक कावड़ का मेला बाबा के धाम में रहेगा, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। अपने साथ सब भक्तों को लेकर एक महीने सावन के महीने में कभी भी कुबेरेश्वर धाम आकर बाबा की कावड़ भर सकते हैं, सीवन का पवित्र जल बाबा को चढ़ा सकते हैं। हर हर